वेलकम टू इन्फो 6। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप नियोस DLED के सेकेंड ईयर के फॉर्म फिलअप कैसे ऑनलाइन कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको DLED.nios.ac.in ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको जाना होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट ओपन कर लिया है। ऊपर आप देख सकते हो एक मूविंग नोटिफिकेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन फीस स्टार्टेड फ्रॉम 7 जून 2018। मतलब आप 7 जून से फी पेमेंट कर सकते हो। और नीचे देखिए दोनों लिंक हैं, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन फी, यहाँ पे आप क्लिक करके फी पेमेंट कर सकते हो। और नीचे एक नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है और ये नोटिफिकेशन दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन फी है वो है 6000 रुपीज़। एंड ये पेमेंट आप 7 जून 2018 से 7 जुलाई 2018 तक कर सकते हो। तो मैं फिर से वेबसाइट पे वापस आ गया हूँ, मैं आपको फी पेमेंट करके ही दिखाता हूँ। देखिए ये जो लिंक है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन फी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर देना होगा। एनरोलमेंट नंबर देने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनरोलमेंट नंबर देने के बाद एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी एंड जो पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट नॉट मेड, मतलब अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। एंड नीचे जो टोटल फी है 6000 रुपीज़ वो दिखा रहा है। अब आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण कैंडिडेट्स के डिटेल्स हाइड कर रखा हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन है, सर्वर 1 सर्वर 2, मतलब ये दोनों अलग अलग पेमेंट गेटवे है। एक ICICI बैंक के पेमेंट गेटवे है एंड दूसरा है UBI का। तो मैं ICICI बैंक के पेमेंट गेटवे से पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फिर से मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तीन ऑप्शन है। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो आपको सिर्फ 10 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। तो मैं यहाँ से नेट बैंकिंग सिलेक्ट करके पेमेंट कर देता हूँ। देखिए एंड यहाँ पर जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है आपका वो आपको देना होगा, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे पेमेंट कॉन्फर्मेशन मैसेज चला जाएगा। तो मैंने पेमेंट ऑप्शन पे नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बैंक का लिस्ट आ गया है, आप जिस बैंक से पेमेंट करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं SBI से पेमेंट करूँगा तो SBI यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड SBI सिलेक्ट करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SBI नेट बैंकिंग का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड देके पेमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ से पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए योर ट्रांजेक्शन स्टेटस, ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली, काइंडली टेक द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस बाय प्रोवाइडिंग एनरोलमेंट नंबर। अब मैं आपको फिर से एनरोलमेंट नंबर देके पेमेंट स्टेटस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप पेमेंट स्टेटस देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट कंप्लीटेड एंड जो बैंक नेम है यहाँ पे लिखा हुआ है ICICI बैंक पेमेंट गेटवे एंड बैंक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक नियोस DLED का सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किया है तो आप ये वीडियो देख के कर सकते हो। फॉर्म फिलअप के टाइम अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बोलिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। जो लोग अभी DLED कर रहा है उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल इन्फो 6 को सब्सक्राइब कीजिए।